अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके ला रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन कुन्ना, मटका गोश्त, जो सबका ही फेवरेट होता है। आइए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कैसे बनेगा ये, जिसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ के जी से ज़्यादा मटन। बहुत अच्छी तरह हम इसको धो लिया है। 1 टीस्पून होगी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून का पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून इसमें जायफल जावित्री का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी गरम पिसा हुआ अदरक लहसुन, 1/2 टीस्पून पड़ेगा इसमें पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी हम इसमें से प्याज लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें घी ले लिया है। मटका गोश्त या कुन्ना बन घी में ही बनता है और जो बहुत टेस्टी लगता है। अब हमने अपनी मिट्टी की हांडी ले ली है, जो इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये मिट्टी की हांडी में बनती है या मटका में बनता है कुन्ना, तो हमने इसके लिए मिट्टी की हांडी ले ली है। और तकर 2 टेबल स्पून के करीब हमने कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर दी है। प्याज इसमें ज़्यादा नहीं पड़ती बट हम डालते हैं तो इसी की थोड़ा सा इसका फ्लेवर आए। प्याज को हम ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस ऐसे ही इसको बस थोड़ा सा पका के तो हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। अब गोश्त के साथ ही मैं प्याज को भून लूँगी। अच्छा सा हमें भूनना है गोश्त को ताकि प्याज गोश्त के साथ ही गल जाए। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसमें आप ज़्यादा अदरक लहसुन डालें, अदरक ना भी डालें तो लहसुन ज़्यादा पड़ता है। सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो मैंने मिक्स कर लिए। हल्दी, लाल मिर्च, जायफल जावित्री का पाउडर, पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी सौंफ और ज़ीरा पिसा हुआ, ये हमने सब इसमें मसालों में ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से हम गोश्त को भून लेंगे ताकि गोश्त अच्छा सा भुन जाए और इसकी बुटियाँ अच्छी बन जाए। अच्छा सा भूनने के बाद हम इसको इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अगर गोश्त की भुनाई बहुत ज़रूरी होती है पहले भी और बाद में भी। मटन कुन्ना सबका ही फेवरेट होता है। इसमें मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया है, इसलिए मिट्टी की हांडी है। मिट्टी की हांडी में हम कम पानी डालते हैं। मिट्टी की हांडी इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि अपनी हीट से ही गोश्त को पकाती है, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी डाल के अब हम इसको 1 से 1.5 घंटा पकने को छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं अच्छा सा पक चुका है, ऑयल भी हमारे गोश्त ने रिलीज़ कर दिया है और आप बोटियाँ देख सकते हैं टूटी भी नहीं है और बहुत अच्छी सी भुन गई हैं। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब आटा ले लिया है। आटा बहुत कम डालते हैं, ये निहारी नहीं है, मगर हमें कुन्ने में भी थोड़ा सा आटा डालना होता है ताकि ये शोरबा बनाए, ग्रेवी बनाए, तो हमने ज़्यादा आटा नहीं लिया है। हमें इसको अच्छी तरह घोल के इसे हमें बहुत पतला कर लेना है ताकि ये सालन में जाके इसकी गुठलियाँ ना बने। तो मैं इसमें और पानी ऐड कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल पतला है, मतलब आटा पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने बहुत आटा डाला है। गोश्त की भुनाई अच्छी तरह से करने के बाद फिर हम इसमें आटा ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा गोश्त भुन गया है, ऑयल पे रिलीज़ हो गया है और आटा हमने डाला। आप देखें बहुत ज़्यादा नहीं इसमें गाढ़ा बना रहा, थिकनेस नहीं है, तो इसको थोड़ा पतला ही रखते हैं। अब मैंने इसमें 1 ग्लास के करीब पानी डाल दिया भर के, इसलिए हमें पकाना होगा ताकि आटा अच्छी तरह पक जाए, इसकी कोई कच्चेपन की स्मेल ना आए। आप लोग देख सकते हैं हमारा कुन्ना गोश्त, मटका गोश्त बिल्कुल बहुत अच्छा सा रेडी है, बहुत अच्छा रोगन आया है और बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार बना है। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।